के हत्यारे जो हैं वो उनको कहा गया है हत्या करने के लिए, ऐसे ही मालूम होगा, तभी तो वो बात कर रहे थे, उनको जानकारी होगी कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, जिसको जो उनके सूत्र होते हैं भाई, मीडिया के तो सूत्र होते हैं, तो सूत्र होंगे उनके पास। नहीं तो हत्या देखिए वो तो सबके सामने है ना भाई, कि पुलिस मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद है और उनके सामने ये हत्या हो रही है, और वो लोग कह रहे थे कि भाई देखिए ये जो व्यक्ति हैं वो कह रहे थे कि हमारी हत्या हो जाएगी, लेकिन हो भी जाती है। अच्छा, हत्यारे जो हैं जो हत्या करने आते हैं उनका कोई इंटेंशन भी नहीं दिखता है इसका, नहीं नहीं फेमस तो आप अखबार में पढ़ लिए ना, अखबार में पढ़ लिए आपकी फेमस होना चाहते थे, उससे क्या बात नहीं बनती, उसका एक इंटेंशन होता है ना कि कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई लूटपाट करना हो, नहीं लेकिन मारा, इसका मतलब कि हत्यारे जो हैं वो उनको कहा गया है हत्या करने के लिए, उनको कहा गया है हत्या करने के लिए, उन्होंने खुद कोई प्लान नहीं किया है, उनको कहा गया है, क्यों प्लान हो सकता है, पुलिस सिक्योरिटी के बीच भी प्लान हो सकता है। तो सर जो इस तरह के जो एनकाउंटर हो रहे हैं उससे आप क्या मानेंगे, एनकाउंटर बिल्कुल लोकतंत्र में और इस समाज में एनकाउंटर से ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। इनकाउंटर अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा कानून व्यवस्था काम नहीं कर रहा है, माफिया का खात्मा हो रहा है। ठीक है, माफिया का खात्मा तो सबको कह के माफिया मार दीजिए आप, क्या जरूरत है अदालत की, क्या जरूरत है पुलिस की, मार डालिए आप भाई जिसको मारना है, तो अदालत की क्या जरूरत है, अदालत होती किस लिए है, अदालत यदि मारने का ही नियम हो गया है कि पकड़ो मार दो तो अदालत क्यों है, अदालत को बंद कर दीजिए तब मार दीजिए। देश में योगी सरकार की बड़ी तारीफ होती है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और वहाँ पर जो गुंडे माफिया अपराधी, देखिए हम नारा छोड़कर भाग रहे हैं, हम नारा नहीं लगाते हैं, हम तथ्यों पे बात करते हैं। तथ्य है इस तरह का, कोई आंकड़े हैं आपके पास कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हो गई है कि अपराध की संख्या कम हो गई है, बलात्कार कम हो गया है, लेकिन अमित शाह कुछ कहते हैं इसमें क्या, दूर अरे भाई देखिए व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं कि कौन क्या कहता है, हम कह रहे हैं आंकड़े क्या बोल रहे हैं, आपके घटनाएं क्या बोल रही हैं, आप व्यक्ति की बात क्यों करते हैं, फला ये बोल रहा है फला वो बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, हम कह रहे हैं कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं की क्या संख्या कम हुई है, ये आपके आपके सामने आना चाहिए, नहीं हुई है तो हम कैसे मानेंगे, हम कैसे मानेंगे पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो जा रही है, तुम कैसे मानेंगे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आप कैसे कह रहे हैं, तो क्या जांच होनी चाहिए, जांच का विषय, तो जांच तो अब सरकार ने बैठा ही दिया, जुडिशियल कमीशन की आज तो हमने अखबारों में पढ़ा, मुझे पक्की जानकारी नहीं है, अखबारों में पढ़ा है कि जुडिशियल इंक्वायरी का बनी है, 2 महीने की रिपोर्ट कोई देंगी, वो कमेटी की रिपोर्ट देनी है, 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, माहौल जिस तरह से बनाने की आप कोशिश करेंगे, जिसके पास भाई सत्ता होती है, जिसके पास तमाम तरह के साधन होते हैं, वो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें उनको जो फायदे जिसमें फायदा नज़र आता है वही माहौल बनाएंगे ना, तो वो माहौल बना रहे हैं, लेकिन समाज की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चिंता कर रहे हैं, उनको अपनी चिंता है, समाज की चिंता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये हिंदू मुस्लिम कोई नई बात तो नहीं है, देश बढ़ गया हम लोगों का, तो देश बढ़ गया तो कौन तकलीफ में हुआ, लाखों लोग आम जो लोग थे वही मारे गए, वही बेघर हुए, वही उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई जो अच्छी खासी थी, है तो, और जो बड़े लोग थे जो नेता लोग थे उनका क्या बिगड़ा, माहौल तो उन्होंने ही बनाया, तो आज भी वही हाल है कि जो बड़े लोग हैं अमीर हो रहे हैं, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब और अमीर हो रहा है, और वो कह रहा है कि गरीबी की बात मत करो, अपनी एजुकेशन की बात मत करो, अपनी एजुकेशन की बात मत करो, तुम तो बात करो अपने हिंदू होने की, मुसलमान होने की, ईसाई होने की, सिख होने की, तो आपको उलझा दिया है, दिमाग तो एक ही काम करेगा ना। सर मीडिया ने पहले अनुमान मतलब बता रही थी कि
गाड़ी पलट जाएगी गाड़ी पलट जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि उनको पहले से ये सब कैसे मालूम होगा? तभी तो वो बात कर रहे थे, उनको जानकारी होगी कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, जिसको जो उनके सूत्र होते हैं भाई, मीडिया के तो सूत्र होते हैं, तो सूत्र होंगे उनके पास, तो सूत्र के हिसाब से अपनी बात कर रहे थे, बता रहे थे कई कई दिन चलाया, सात सात दिन चलाया, ये होने वाला है वो होने वाला है। वो नियम तो पहले बना, नहीं वो पहले आ गया है, वो पहले आ गया है, एक्ट में संशोधन हुआ था, अभी नियमावली उसकी बन गई है, अभी बनी है वो नियमावली। अरे सोशल मीडिया कंट्रोल तो हो ही रहा है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वाले करते हैं, सरकार भी करती है, सरकार की मशीनरी भी करती है, लोग भी करते हैं, ट्रोल आर्मी और क्या है, ट्रोल आर्मी होती क्या है, ट्रोल आर्मी देखिए मुसलमानों का जो पिछड़ापन है, एजुकेशन की जो कमी है, इस पर तो हम प्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? किसको बढ़ावा? पिछड़ेपन को? जी सर, पिछड़ेपन को नहीं बोलो यार, पिछड़ेपन को बढ़ावा नहीं देना है, पिछड़ेपन को दूर करना है। हाँ एजुकेशन का, एजुकेशन के लिए क्या होगा, हम और आपको प्रयास करना चाहिए और सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बने, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खुले, अच्छे स्कूल में जो है टीचर्स हों और बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएं, यही हॉस्टल्स उनके लिए बने, यही हम लोग को मांग करनी चाहिए और हम लोग यही मांग करेंगे। रिपोर्टें आती हैं जैसे चतुर्वेदी की रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट, मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर बताई जाती है, लेकिन उस पर सुधार क्यों नहीं हो रहा है? नहीं इसलिए कि नहीं करना चाहते हैं सुधार, सुधार इसलिए नहीं होना हो रहा है कि सुधार नहीं करना चाहते हैं, और क्या बात हो सकती है? मुस्लिम समुदाय को आपस में लग भिड़ के अपना जो भी सामाजिक जो आधार पर जो कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ने के लिए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए, वो उनको करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आंदोलन से पहले संवाद करें आपस में, आंदोलन भी करें, क्यों सीए के खिलाफ पूरे देश पूरे मुल्क में कितने दिनों कैंप कैंप लगाया महिलाओं ने, आपको बोलना जिसको बोलना हो बोलेगा, लेकिन महिलाओं ने पूरे देश भर में 600 से ज़्यादा कैंप लगाए, तो कैसे लगा लिए, कई महीने तक चला वो, तो ऐसा नहीं है, आपके बीच में जब संवाद होगा और आप संगठित होकर ऑर्गेनाइज होकर आप कोशिश करेंगे तो आप आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन तो हमारे लोकतंत्र का पार्ट है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, आंदोलन के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती, आंदोलन नहीं होता तो देश आज़ाद होता? आज़ाद ही नहीं होता, तो आंदोलन हुआ इसीलिए देश आज़ाद हुआ। जय श्री राम के नारे लगा रहे सर, बोल लो, आप भी लगा दीजिए यार, तो कोई भी लगा सकता है नारा, तो नारा लगाने का क्या है, गोडसे ने भी कहा, तो उससे क्या होता है? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।